तो 2022 की उन मूवीज की बात करूंगा मैं बॉलीवुड की, जिसका बेसब्री से इंतजार मुझे था। तो उन मूवीज में दृश्यम 2 के बाद सेकंड नंबर पर जो मूवी थी वो थी भेड़िया, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वेल फाइनली कल ये मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, और कल ही मैंने रात को ये मूवी देखी, और जिस थिएटर में मैं गया था वहां से 80% ऑडियंस तो नदारद थी। तो बात करूं मैं मूवी की, तो सच में जितनी एक्सपेक्टेशंस मैं लगा के बैठा था इस मूवी से, उसका 50% भी मुझे इस मूवी से देखने को नहीं मिला। वैसे भी जब आप कोई सुपर हीरो या फिर साईफाई मूवी देखने जाते हो तो उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो बात करूं मैं अगर इस मूवी की, तो ये एक हॉरर कॉमिक से ज्यादा एक सुपर हीरो कॉमिक मूवी थी। और बात करूं मैं अगर वरुण धवन की, तो वो अपने एक्टिंग से ज्यादा ओवर एक्टिंग के लिए फेमस है, लेकिन इस मूवी में उन्होंने एक बेहतरीन एक्टिंग करी है और भेड़िए के रोल में अच्छी तरीके से समा गए हैं। हाँ, कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स भी थे जहाँ पर वो थोड़ा वीक लगे। और बात करूं मैं अगर इस मूवी के ग्राफिक्स की, तो इस मूवी के VFX कॉमेडी सीन से ज्यादा अच्छे थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी के ग्राफिक्स हैंडल की है MPC ने, जो कि ऑलरेडी जंगल बुक 1917, लाइफ ऑफ पाई और हैरी पॉटर जैसी फिल्मों में अपना काम बखूबी तरीके से कर चुके हैं। काश आदिपुरुष वालों को भी कोई इनका एड्रेस दे देता। और अगर बात करूं मैं मूवी की स्टोरी की, तो मूवी स्टार्ट होती है भास्कर नाम के एक लड़के से, जिसको अरुणाचल प्रदेश में एक रोड कॉन्ट्रैक्ट का काम मिला होता है, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने दादा के मकान को गिरवी रख के लिया होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब प्रॉब्लम ये है, जहाँ से ये रोड जानी है वहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स का एरिया होता है और पूरा इलाका जंगल का होता है। अब भास्कर गांव वालों को जमीन देने के लिए मनवाने के लिए अरुणाचल प्रदेश चला जाता है, जहाँ ये गांव वालों को मनाता है कि वो अपनी जमीनें दे दे। बट यहाँ पर एक भेड़िया होता है जो सदियों से इस जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब वो भास्कर को मारने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो भास्कर को मारने के लिए जाता है, तो वो भास्कर को मार तो नहीं पाता, हाँ पिछवाड़ा जरूर काट लेता है, जिसके बाद भास्कर मरने की बजाय खुद एक भेड़िया बन जाता है। तो भाई बात करूं मैं अगर कहानी की, तो कहानी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, और मुझे पूरी मूवी में ना कहीं एक्साइटमेंट लगा ना कहीं डर लगा, जबकि 80% थिएटर खाली ही था। हाँ, बीच बीच में थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, कुछ वन लाइनर्स और कुछ पंचेस भी आ जाएंगे जो आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरटेन करती रहेंगी, और वो पूरी की पूरी कॉमेडी थी आधी अभिषेक बनर्जी के कंधों पे थी और आधी दीपक दोब्रियाल के कंधों पर थी। मूवी वन टाइम वॉचेबल तो जरूर है, लेकिन आप मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बिल्कुल मत जाना।